प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अभी मेरा पास 50,000 भी नहीं है भाई। आपके पास पैसे नहीं है? नहीं दया, पिछले हफ्ते एक एलसीडी कंपनी को मैंने एडवांस में पेमेंट दे दिया। मेरे पास जितने थे वो सब वो माल सस्ता में मिल रहा था इसके लिए। ये आप क्या कह रहे हैं टप्पू के पापा? सच कह रहा हूँ दया, कितना बैड लक है मेरा। इतना कमाने का गोल्डन चांस ये सुंदर लेके आया है, उसी वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। ओफो, जरूरत के वक्त पर ही पैसे नहीं है। टप्पू के पापा, क्या कोई और जगह से पैसे का बंदोबस्त नहीं हो सकता? दया, कहीं और जगह से पैसों का बंदोबस्त हो सकता तो क्या मैं सुंदर की मदद करता? अब नहीं करता। माय डियर जीजा जी, आप तो बड़े व्यापारी हो, मार्केट में से कहीं पैसों का बंदोबस्त कर लो। प्लीज। अरे भाई, मार्केट में से ही पैसों का बंदोबस्त करके मैंने एलसीडी कंपनी को पेमेंट दिया है। देख भाई, अभी तू मुझे समझाने में अपना वक्त बर्बाद मत कर, तेरे लिए अभी समय बहुत कीमती है। तू अभी के अभी अहमदाबाद जा और अपने लिए दूसरा पार्टनर ढूंढ। हाँ विनय, तुम्हारे जीजा जी सच कह रहे हैं, ये सुनहरा मौका अपने हाथ से मत जाने दे। जीजा जी, फिर से एक बार सोच लो, बाद में बहुत अफसोस होगा। अरे बाद में क्या, अभी अफसोस हो रहा है भाई, लेकिन क्या करूं मैं? अच्छा बहना, चलो तो मैं अहमदाबाद के लिए निकलता हूँ, पहली फ्लाइट पकड़ के। मन तो कर रहा है कि तुम्हें जाने से रोक लूं, लेकिन तुम्हें जीवन में इतना बड़ा मौका मिल रहा है तो मैं कैसे रोक सकती हूँ? जाओ मेरा, जा बना ले अपनी जिंदगी। सॉरी भाई। अरे मंदार, इस साल के भाउबीज में तुम यहाँ नहीं हो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अभी अगले साल तुम यहाँ नहीं आओगे ना तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। नहीं तो क्या है? नक्की? प्रॉमिस? हाँ, खुश खुश। हाँ अच्छा, हाँ आओ, ये अचार पापड़ महिला उद्योग में पहुंचाने, और इसमें चिवड़ा है वो दया भाभी के घर देना है। माधवी, अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे सोसाइटी का हिसाब करना है। ऐसा का है? अच्छा एक काम करती हूँ, मैं दया भाभी के घर जाऊंगी, लेकिन आप ये महिला उद्योग में पहुंचा के आइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ महिला उद्योग। चंदा रमानी, अरे चंदारमणि का चेक। ओहो हो हो, लगता है चंदारमणि का मेंटेनेंस का चेक खत्म हो गया है। फोन करना पड़ेगा भाई सबको। ये चंदारमणि भाई भी ना कमाल करते हैं, पूरे साल में सिर्फ 15 दिन के लिए यहाँ रहने आते हैं, और बाकी के दिन तो फ्लैट ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। कितनी बार बोला है कि फ्लैट भाड़े पे दो, भाड़ा भी मिलेगा और हमें कमीशन मिलेगा वो अलग, पर सुनते ही नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, हम लोग सिंगापुर चलते हैं। हाँ, वो यहाँ रहने आते हैं तो हमारे घर ही तो खाते पीते हैं, और हम ही हैं जो उनके फ्लैट की देखभाल करते हैं। और चंदा रमानी भाई तो कहते ही है ना, बड़ी आत्मा राम। चंदा रमानी की थियरी कहती है तुम हमारा फैमिली जैसा है नहीं,
वड़ी साई सिंगापुर घूमने आओ नी। अरे वो तो लाख कहेंगे माधवी के सिंगापुर आओ, लेकिन खर्चा तो हमें ही करना पड़ेगा ना। वैसे जाना है तो जा सकते, शनि शिंगणापुर, सिंगापुर नहीं। सिंगापुर ला जायचे मॅडम ना चंदारमानी। हा वन मिस कॉल, पक्का इंडिया के गोकुल धाम से आज हमारा मिड्डे का फोन होगा बाबा, पक्का वही होगा, चेक कर लेता हूँ फिर भी। अरे हाँ यार उसी का है। अरे यार आला। हेलो बाबा, एक मेल सेक्रेटरी, कैसे हो? हाँ हाँ अप्रतिम अप्रतिम, बढ़िया, आप कैसे सर? अरे डांडो छुट्टो यार। हाँ और बताओ, अचार पापड़ क्वीन माधवी भाभी और सोनू बिटिया कैसी है? अचार पापड़ क्वीन एकदम मजे में, सोनू भी बहुत मजे में है। बोलो बोलो बेटा, क्या काम था यार? हाँ अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि आपने जो एडवांस में मेंटेनेंस के चेक दिए थे वो सारे खत्म हो गए, तो अभी आपको वापस देने पड़ेंगे। बाबा वो तो अब मैं नहीं दूंगा यार। अरे नहीं देता मतलब आपको देने पड़ेंगे, आप अगर नहीं देते तो भी आपको मेंटेनेंस तो बढ़ना पड़ेगा ना। देखो बाबा, चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि हिंदुस्तान में मुझे 10 या 15 दिन से ज्यादा रहना नहीं होता है, और वैसे भी गोकुलधाम एयरपोर्ट से बहुत दूर है, तो मैंने फैसला कर लिया है कि एयरपोर्ट के पास ही मैं एक फ्लैट ले लूंगा। बल्कि मैंने तो डील भी तय कर लिया है बाबा, मेरे दोस्त का फ्लैट है, तुम एक काम कर डालो, गोकुलधाम वाला फ्लैट बेच डालो। अच्छा आपको फ्लैट बेचना है? हाँ वो तो फटाफट बिक जाएगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आपको दूसरा फ्लैट खरीदने की क्या जरूरत है? आप तो साल में 15 दिन के लिए यहाँ पे आते हो, तो हमारे घर पे भी रह सकते हो। बिड्डे तेरे घर तो मैं आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि जिस देश में तुम रहते हो वहाँ एक फ्लैट तो होना बहुत जरूरी है यार। हाँ ये बरोबर है। तो ये बता कि क्या रेट मिल जाएगा मेरे फ्लैट का बाबा? भाव मतलब अभी के मार्केट के हिसाब से आपके फ्लैट की कीमत होगी अंदाजे 55 लाख रुपए। तो बाबा एक काम करो, तुम फ्लैट को बेच डालो, टोकन मनी ले लो और डील कर डालो। अरे मैं कैसे बेच सकता हूँ, वो तो आपका फ्लैट है और अभी पैसों का मामला है। बिड्डे कैसे चरियों वाली बात कर रहा है यार, इतने सालों से तू मेरे फ्लैट का केयर टेकर है। चंदी रमानी की थ्योरी कहती है कि जिस पे एक बार भरोसा कर लिया जिंदगी भर अपने से ज्यादा फिर उस पे भरोसा करो। ओहो थैंक यू चंदरामणि जी। तो बस तू अब एक काम कर, अच्छी सी पार्टी ढूंढ कर जल्दी से मेरे फ्लैट की डील कर डाल, और मैं अगले हफ्ते तक आ रहा हूँ, मैं वहां पे साइन सुन कर लूंगा जो भी पेपर ऊपर होगा यार। ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं पार्टी ढूंढ के रखता हूँ, और गोकुलधाम सोसाइटी का फ्लैट है, हाथों हाथ बिक जाएगा। आपका फ्लैट वास्तु के सबसे बढ़िया है और लकी भी है, बिक जाएगा बिक जाएगा। हाँ और तेरे भी 2% पक्के, मतलब 1,10,000 रुपया। अरे नहीं नहीं मैं आपसे कैसे कमीशन ले सकता हूँ? अरे बाबा कैसी बातें करता है, माधवी भाभी ने यही फ्लैट तो दिलाया था मुझे 10 लाख रुपए में, अब अगर मुझे फायदा हो रहा है तो मैं तुझे क्यों नहीं 2% दूंगा? अरे बाबा दिलदार सिंधी हूँ मैं भी। अब सुन, जैसी मेरी टिकट कंफर्म होती है ना मैं तेरे को डेट बता दूंगा। ओके ओके फिर जल्दी आइए, चल जल्दी से ग्राहक ढूंढ मेरे फ्लैट का। थैंक यू यार, ओके बाय, मिलते हैं। बाय। माधवी चंदरामणि ने अपना फ्लैट बेचने का नक्की कर दिया है। सोसाइटी के पास 50,000 रुपए ट्रांसफर फी आ जाएगी। कितने दिनों से सोसाइटी को कलर करवाना था, अभी इन पैसों से वो काम हो जाएगा। अहो सेक्रेटरी महोदय, बोला सोसाइटी के पहले फैमिली आहे म्हटलं तो काय, 1,10,000 रुपए हमें कमीशन मिलेगा, उसके बारे में सोचो आहत कुठे। बरोबर है वो वो हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है ये। 3 साल पहले एक फ्लैट भाड़े पे दिया था, उसके बाद ये डील होगी पहली बार। बरोबर है माधवी, पिछले 3 साल में ना कोई फ्लैट भाड़े पे गया ना कोई फ्लैट बिका है, सोसाइटी को तो ट्रांसफर भी मिली ही नहीं है। नहीं लेकिन हमको 1,10,000 रुपए कमीशन में मिलेंगे। वाह वाह वाह, 1,10,000 रुपए नहीं, फ्लैट लेने वाली पार्टी भी तो हमें 2% कमीशन देगी ना। मतलब 2+2=4%, मतलब 2,20,000 रुपए। उसमें से पार्टी ढूंढने के लिए एजेंट्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उनको भी तो थोड़ा हिस्सा देना पड़ेगा ना। फिर भी माधवी अपने पास बहुत बड़ी रकम आने वाली है। पावला रे देव, खरोखर पावला, गणपति बप्पा मोरिया, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ दिन है। चलो इसी बात में मैं डिलीवरी करके आता हूँ फटाफट। चला चला चला।
दे रहे हैं दया भाभी। सॉरी सॉरी, ये सुसत नहीं है, सुसत नहीं है। काय रे बाबा गोंदर। मिर्जा। हाँ हाँ। ओए पापा जी। ओ यार ये पिड़ू और पिड़ू का स्कूटर। अरे चालू हो। ओ पिड़ू कितनी किक मार रहा है यार, और इतना तो साइकिल में पैडल मारता तो मुंबई के बाहर पहुंच जाता। अरे क्या है ना सोड़ी, वो अभी ठंडी का मौसम है ना तो थोड़ा सा मॉइस्चर लग गया होगा। हाँ गैरेज वाले के सामने ही फेंक रहा है। चल बाजी बाट मैं स्टार्ट करता हूँ। माल करता है यार तू भी। हलू हलू सोड़ी, अरे किक तोड़ देगा तू भाई। देखा लातों के भूत लातों से ही मानते हैं। स्टार्ट होगी ना गड्डी। कहावत तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते ऐसी है। खैर जो भी है, चल चलो चलता हूँ। मैं ओए कितने जा रहे तू? मैं ये महिला उद्योग में पापड़ की डिलीवरी करने जा रहा हूँ। ओए मजा आ गया, मैंने भी उतना ही जाना है कैश जमा कराने। महिला उद्योग में? और नहीं बाजू में ही तो मेरा बैंक है। अच्छा अच्छा, लेकिन तेरी जीप कहाँ है? और यार जीप की सर्विसिंग मेरे गैराज में हो रही है तो उतनी खड़ी है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं छोड़ता हूँ चलो। ओए पिड़ू तू जाए कितना उधर बैठ, मैं वीरू कितना इधर चलाता हूँ। वाह 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 क्या बात है। लेकिन सोड़ी मेरे भाई जरा अपनी स्कूटर समझ के चलाना। और पिड़ू चिंता मत कर, मैं अपनी जीप समझ के चलाऊंगा। चलो 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 चल चल। अरे साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर दुष्यंत भाई। जेठालाल घड़ा बोल रहा हूँ। देखिए देखिए मालिक, आपने जब से ऑर्डर दिया है तब से मैं आपका नाम ठीक से बोल पा रहा हूँ, दुष्यंत भाई, वरना पहले तो आता ही नहीं था मुझे है। तो मालिक अभी नए साल में भी आपका नाम मैं ठीक से बोल सकूं, इसलिए जरा दया भाव रखना मालिक। मतलब नए साल में भी जरा पिछले साल की तरह ऑर्डर देते रहना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो घर पे भाभी जी बच्चों को सबको बोलना साल मुबारक है। ओके थैंक यू। हाँ नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। नमस्ते जेठा भाई। आइए आइए माधवी भाभी आइए। अरे दया। माधवी भाभी आए। आइयो आइयो बुढ़े बैठ आइयो। हाँ ये लीजिए आपका चूड़ा, ये पोहे का चूड़ा है। हाँ हाँ। और ये मिक्स चूड़ा है। हाँ हाँ। दोनों दो दो किलो है। थैंक यू बुढ़े बहन, आपका चूड़ा इतना टेस्टी होता है ना, इस दिवाली में मेहमान चूड़ा पर टूट पड़े थे। अरे हाँ। अरे मुझे तो खाना ही नहीं मिला माधवी भाभी। अरे बाप रे। हाँ, इसीलिए तू और मंगवाया। अच्छा किया। आप रुके मैं आपको पैसे देती हूँ। अरे दया भाभी बाद में दीजिए ना। नहीं नहीं माधवी भाभी, नए साल का हमारी तरफ से यह पहला ऑर्डर है, इसका पैसा तो आपको लेना ही पड़ेगा। कितना? 600 रुपए। ये लीजिए। चलो मैं चलूं? अरे क्या चलूं, अब बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं बाबा मुझे देर हो जाएगी, वो नौकर स्टेट वाले रमेश भाई है ना, उनके यहाँ मुझे जाना है। स्टेट एजेंट क्या क्यों? वो चंदा रमारी भाई का खाली फ्लैट है ना सोड़ी भाई के बाजू में। सिंगापुर वाला सिंधी। हाँ उनको फोन आया था आज, इनको उनको फ्लैट बेचना है और हमको ही कहा है फ्लैट बेचने के लिए। उसका फ्लैट बेचना है? हाँ। कितने में? 55 लाख। माधवी बाबू एक मिनट है, बाबू जी एक मिनट जरा आइए। हाँ बाबू जी, ये फ्लैट हम लोग ले लेता। और एक फ्लैट इन्वेस्टमेंट, और वैसे भी प्रॉपर्टी का भाव तो बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई नुकसान तो है ही नहीं, और अपनी सोसाइटी में फ्लैट मिल रहा है बापू जी, हमारी सोसाइटी जैसी सोसाइटी और कहाँ मिलेगी। देख ले तुझे अगर ठीक लग रहा है तो। नहीं अगर आप हाँ बोलो तो मैं अभी 51,000 दे के यह सौदा फाइनल कर दूँ। ठीक है, थैंक यू बापू जी।
ये लीजिए बाबूजी, एक मिनट, 50 और ये 51 अपने हाथों से दे दीजिए। माधवी बाबी, वो फ्लैट हम खरीदना चाहते हैं। भैया खराब क्या? हाँ दे, बाबूजी ने भी हाँ बोला तो वो फ्लैट हम लोग खरीद रहे। बाबूजी वो दीजिए, ये 51,000 है तो भिड़े भाई को दे देना, और बाकी का जो भी लेबर देवर होगा वो चंदा रमानी भाई को पूछ ले, उसका जो भी होगा वो हिसाब से हम लोग दे देंगे बाकी का पेमेंट है। कोई बात नहीं, और आपका भी जो भी कमीशन का व्यवहार है वो भी हम दे देंगे। क्या जेठा भाई, क्या बोल रहे हो आप, कमल है, आपसे थोड़ी तो कमीशन ले सकते हैं हम सब तो एक परिवार जैसे हैं, और चंदा रमानी भाई कमीशन देंगे ही ना हमको। तो ये तो हमारे साथ चीटिंग हुआ ना, आप उनसे कमीशन लेंगे हमसे कमीशन नहीं लेंगे, वो तो गलत है ना। नहीं नहीं जेठा भाई, मैं मेरी बात सुनिए, अगर हमारी जगह और कोई फ्लैट लेता है तो उससे तो आप कमीशन लेते क्या? नहीं बरोबर है, तो फिर ये तो हमारे कारण आपका नुकसान हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको कमीशन लेना पड़ेगा। हाँ। अरे जेठा भाई देखिए, हम लोग आपसे कमीशन नहीं ले सकते। चलो ठीक है, आप कमीशन मत लेना, फिर उसकी जगह पे मैं आपका बढ़िया से गिफ्ट दूंगा, वो तो आपको लेनी पड़ेगी। वो जेठा भाई आएगा? नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आप ना मत बोलना, देखिए भाई दूज है, भाई को नाराज मत कीजिए। बाबू जी बोलिए ना कुछ। अरे माधवी बेटा, ना नहीं बोलते, जेठा सही कह रहा है। हाँ भिड़े बहन, प्लेज ठीक है, मैं चलूं। थैंक यू माधवी भाभी। टुप्पू के पापा जरा अंदर आइए। टुप्पू के पापा, आपने मेरे वीरा को कहा कि मेरे पास अभी 50,000 भी नहीं है, तो ये 55,00,000 का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? दया, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा, पैसे मेरे पास है, लेकिन अगर मैंने सुंदर को पैसे नहीं दिए तो सिर्फ तेरी वजह से। मेरी वजह से? समझाता हूँ, एक बार मैं सुंदर को पैसा दे देता, वो सामने इन्वेस्ट भी कर देता, लेकिन वो जहाँ पैसे इन्वेस्ट करने वाला था वो पार्टी अगर चिटर निकलती तो हमारे पैसे तो जाते ना, और उसकी वजह से तुम भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ जाती। पड़ जाते कि नहीं? हाँ। जीजा साले के रिश्ते में दरार पड़ जाती, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भाई बहन के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े, जीजा साले के रिश्ते में पैसों की वजह से दरार पड़े। मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता ऐसे जिंदगी भर बना रहे। अब तू ये बता, मैंने जो कुछ किया गलत किया? नहीं नहीं टप्पू के पापा, आपने जो किया है वो सही किया है, मेरा एक ही तो वीरा है, और पैसों की वजह से मैं मेरे वीरा के साथ संबंध नहीं बिगड़ना चाहती। थैंक यू टप्पू के पापा, आपने एक भाई बहन के रिश्ते को टूटने से बचा लिया। थैंक यू प्रॉपर्टी, दुनिया में इस वक्त जहां भी देखिए बस एक ही चीज की धूम है, लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, और हमारे देश में तो पूछिए मत साहब, दुकान मकान तो छोड़िए, लोग प्लॉट फ्लैट खेत जो हाथ में आ जाए उसे छोड़ना नहीं चाहते, और तो और पत्थर भी बिकने वाले हैं, भीड़ चाल है, लोगों को लगता है भाई मुनाफा हो जाए, मुनाफा होना भी चाहिए, प्रॉपर्टी चीज ही ऐसी है साहब। और देखिए ना, ये बात जैसे ही पता चली हमारे जेठालाल को कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी एक फ्लैट बिका हुआ है चंदा रमानी का, तुरंत 51,000 रुपए का टोकन माधवी भाभी को दे दिया। अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, फ्लैट तो बिकते रहते हैं, बिकने भी चाहिए,
लेकिन नई बात यूं है मित्रों कि जेठालाल की जिंदगी में इतनी आसानी से सब कुछ हो जाए ये संभव नहीं है। शनि बन के वक्री दृष्टि से सुंदर लाल उन्हें देख रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि सुंदर लाल ने जेठालाल को अपने प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाने के लिए कुछ रुपयों की डिमांड की, लेकिन जेठालाल ने मना कर दिया कि भाई रुपये संभव नहीं है। और यही जेठालाल जब फ्लैट के लिए 55 लाख रुपए 2 दिन में अरेंज करेंगे और ये बात सुंदर लाल को पता चलेगी तो क्या होगा? होगा क्या? रॉकेट की तरह अहमदाबाद से छूटेंगे और गोकुलधाम सोसाइटी में आके फटेंगे। हमेशा चुप न रहने की कसम खाने वाले सुंदरलाल अब आगे क्या करेंगे मैं नहीं जानता। इस फ्लैट की डील में क्या वो अड़ंगा डालेंगे मुझे नहीं पता। वो जेठालाल को इस प्रोजेक्ट में शामिल करवा पाएंगे मैं नहीं जानता। ये प्रॉपर्टी की डील कितने रंग लाएगी जब ये सुंदरलाल को पता चलेगा। होंगे हंगामे, होंगे धमाके, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.